Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है देश से, किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक, कमेटी का होगा गठन। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में विवाद के समाधान के लिए 4 सदस्यीय कमेटी टीम का गठन किया है और कहा है कि अगले आदेश तक तीनों कानूनों के अमल पर रोक लगी रहेगी। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि यह राजनीतिक नहीं है, किसानों को इस कमेटी के साथ सहयोग करना चाहिए। बेंच ने कहा कि हम देश के नागरिकों की जान माल की हिफाजत को लेकर चिंतित हैं और हम इस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर है रांची से, रांची नगर निगम गरीबों को देगा नया घर, बनाएगा 872 नए फ्लैट। रांची नगर निगम ने चिरौंदी में गरीबों के लिए 872 नए फ्लैट बनाने का फैसला किया है। मिली जानकारी के अनुसार रांची नगर निगम द्वारा गरीब लाभुकों को दिए गए फ्लैट जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में रांची नगर निगम ने फैसला लिया है कि पुराने हो चुके जर्जर फ्लैट तोड़े जाएंगे और इन फ्लैट में रहने वाले लोगों की चिरौंदी में ही 872 नए फ्लैट बनाकर शिफ्ट किया जाएगा। धनबाद रांची इंटरसिटी स्पेशल 15 जनवरी से चलेगी। धनबाद रांची इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन का 15 जनवरी से परिचालन शुरू होगा। सोमवार को पूर्व मध्य रेलवे ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्ण रूप से आरक्षित ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के यात्रा की अनुमति नहीं होगी। बुधवार सुबह 8 बजे से इस ट्रेन की बुकिंग शुरू होने की संभावना है। 22 मार्च से ही धनबाद रांची इंटरसिटी स्पेशल बंद थी। 15 जनवरी से इस ट्रेन को दोनों ओर से चलाया जाएगा। झारखंड में भी पूर्व सैनिकों को मिले नौकरी में आरक्षण। देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में भी पूर्व सैनिकों को नौकरियों में आरक्षण देकर उनकी देश सेवा को और अधिक सम्मानित व गौरवान्वित कर सकता है। इसलिए 2021 में संगठन ने राज्य सरकार से उस मांग के लिए हर स्तर पर लड़ाई के लिए रोड मैप तैयार कर एक वार्षिक कैलेंडर कार्यक्रम तय किया है। इसे लक्ष्य मानकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया है। ये बातें पूर्व सैनिक सेवा परिषद के जिला महामंत्री सूबेदार अनिल कुमार सिन्हा ने रविवार को एग्रीको क्लब हाउस में कही। वे मासिक सैन्य मिलन सह योजना बैठक को संबोधित कर रहे थे। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के पूरे इलाकों में कोहरा छाया रहा। 8 बजे के बाद कोहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में मंगलवार से एक बार फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। राज्य भर की बात करें तो गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में औसत न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के अन्य जिलों का औसत न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वहीं पिछले 24 घंटों में झारखंड का मौसम शुष्क रहा। राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा का 31.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। स्वास्थ्य विभाग की सोमवार रात्रि जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में एक और मरीज की मौत हो गई। राज्य में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1048 हो गई। इसके अलावा राज्य में संक्रमण के पिछले 24 घंटों में 144 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर अब राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 116,961 हो गई है। झारखंड में अब तक 114,531 लोग संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 1382 संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में भी जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 1358 नमूनों की जाँच की गई, जिनमें से 144 लोग संक्रमित पाए गए। इन संक्रमितों में से रांची में 71, पूर्वी सिंहभूम में 15 एवं धनबाद में 14 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इधर रांची समेत झारखंड वासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। 14 जनवरी को कोरोना की वैक्सीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नामकुम पहुंचेगी। इसकी जानकारी सदर के कोविड नोडल ऑफिसर डॉक्टर अमरेश कुमार गुप्ता ने दी। नामकुम से फिर राज्य के हर जिले में वैक्सीन भेजी जाएगी। रांची वासियों के लिए सदर अस्पताल में आएगी। सदर अस्पताल से हर प्रखंड में बने वैक्सीनेशन सेंटर पर लाभुकों की संख्या के आधार पर भेजी जाएगी। वहीं जमशेदपुर जिले में 8 स्थानों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी से हो रही है। खबर है झारखंड के गोड्डा से, टायर दुकान में लगी आग, 1 लाख का हुआ नुकसान। सदर प्रखंड के पाड़ू बथान में सोमवार को एक टायर दुकान सह गैरेज में आग लग जाने से 1 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर राख हो गई। घटना की सूचना पाकर अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया।
साथ ही आग के फैलाव को भी रोका गया। इधर गैरेज मालिक अलाउद्दीन अंसारी ने शंका के आधार पर एक व्यक्ति पर आरोप लगाते हुए थाना में आवेदन दे दिया है। खबर है झारखंड के गोड्डा से। कोरोना संक्रमण काल में 26 जनवरी मेला पर लग सकता है ग्रहण। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र पखवाड़ा समारोह व लगने वाला मेला पर इस बार ग्रहण लग सकता है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस में ध्वजारोहण को छोड़ बाकी अन्य कार्यक्रम होने की संभावना कम ही दिख रही है। वहीं दूसरी ओर मेला मैदान में लगने वाले 26 जनवरी मेला को लेकर अब तक किसी तरह की तैयारी नहीं होती दिख रही है। यही हाल कृषि प्रदर्शनी का भी है, जहां आधी अधूरी व्यवस्था के साथ तैयारी शुरू की गई है। यहां भी कर्मी संयम की स्थिति में है। दूसरी ओर इस बार नगर परिषद से गणतंत्र पखवाड़ा समारोह पर होने वाला मेला को लेकर डाक भी नहीं हो पाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार मेला का आयोजन नहीं होगा। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। युवा दिवस पर छात्रों के बीच हुई प्रतियोगिता। राष्ट्रीय युवा दिवस पर अभाविप की नगर इकाई की ओर से शहर के बाटा रोड स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद सकरूगढ़ स्थित राज कोचिंग सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों के बीच विवेकानंद पर प्रश्नोत्तरी व अन्य प्रतियोगिता की गई। मौके पर मुख्य रूप से राज कोचिंग सेंटर के निदेशक रविकांत तांती, प्रदेश जनजाति छात्र सह कार्य प्रमुख राज दुलार मुंडा, जिला संयोजक मुकेश उरांव, जिला सह संयोजक दीपक कुमार, नगर मंत्री रोशन कुमार तांती, साहिबगंज महाविद्यालय के मंत्री चंदन कुमार राय, रोशन कुमार, सूरज कुमार आदि उपस्थित थे। खबर है झारखंड के जामताड़ा से। हर आदिवासी गांव के सोहराय का उल्लास से सरोवर है। कहीं खुशी चरम पर है तो कहीं उल्लास अंत की ओर है। ऐसा इसलिए कि क्षेत्रवार 5 दिवसीय सोहराय कहीं पहले तो कहीं बाद में शुरू हुआ। मंगलवार को जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक आदिवासी घरों में डंगरा खुंटों से पर्व की गतिविधि शुरू हुई। सुबह से ही महिलाओं ने घर की साफ सफाई तथा पुरुषों ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। दोपहर से पूर्व महिला, पुरुष तथा बच्चे जल स्त्रोतों में स्नान कर घर पहुंचे और पूजा अर्चना के उपरांत आंगन में बैल को खुंटा में बांधा गया। इसके बाद बैल के सिंह में नए रंग बिरंगे धोती बांधी गई। घर में पहुंचे मेहमान बैल को अपने बल से बस में करने का प्रयास करते दिखे गए। खबर है झारखंड के कोडरमा से। बेरहवा जंगल से सटे ग्राम नादकरी, जामू, हरलाडी, महुआटाण, तेलिया मारन, दासरो, मरकच्चो के किसान इन दिनों नीलगायों के उत्पाद से परेशान हैं। कुछ दिनों से नीलगायों का झुंड नादकरी के किसानों द्वारा लगाया गया गेहूं व सरसों की फसल को नष्ट कर रहा है। नादकरी के किसान छोटू अंसारी, मकबूल अंसारी, खुर्शीद अंसारी, जिलानी अंसारी, मिनाज अंसारी, मिस्टर अंसारी, अफ्ताब अंसारी समेत कई किसानों ने बताया कि उनकी खेती में लगे गेहूं और सरसों की फसल को नीलगायों द्वारा प्रतिदिन नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रात दिन मेहनत कर खेतों में पैदा किए जा रहे फसल की बर्बादी से किसानों की कमर टूट रही है। कई किसानों ने बताया कि पहले नीलगाय कभी कभार खेतों तक पहुंचती थी, लेकिन इधर 1-2 वर्षों से इनका उत्पाद अधिक बढ़ गया है। किसानों ने बताया कि कर्ज लेकर गेहूं की बुआई की थी, किंतु नीलगायों ने सब बर्बाद कर दिया। खबर है झारखंड के सिमडेगा से। जिले के दुर्गम इलाका व कुरडेग प्रखंड के गड़िया जोर पंचायत के धंगरी नाचा व चपाबारी गांव के लोगों को आज भी सड़क नहीं होने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इधर सोमवार को सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा गांव में पहुंचे तो वे भी समस्या को देख दंग रह गए और उन्होंने ग्रामीणों के दर्द को समेटते हुए श्रमदान से सड़क की मरम्मति कराई एवं सड़क को आवागमन लायक बनाया। खबर है झारखंड के रांची से। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत गरीब, असहाय व दिव्यांगों के बीच बांटा गया कंबल। रांची जिले के पिपरवार क्षेत्र में हेंदी गिर छापर बंद पोलियरी परियोजना कार्यालय परिसर में मंगलवार को एक सादे समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 गरीब, असहाय एवं दिव्यांग लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में बरका सोयाल के जीएम अमरेश कुमार सिंह की धर्मपत्नी सह संगनी महिला मंडल की अध्यक्ष प्रियंका सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर रही। प्रियंका सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जनहित के लिए चलाए जा रही हर योजनाओं को क्षेत्र की जनता तक सुलभ कराना हमारा दायित्व है। समारोह में अहम भूमिका निभाने वाले चबरू लोहरा, अर्जुन सिंह, वकील मुंडा, अनिल लोहरा, कृष्णा लोहरा, रवि लोहरा, चारकू मुंडा, राजन मुंडा, बाबूराम मांझी, जगदीश मुंडा, जितेंद्र मुंडा, जगदेव हंसदा, राजेश मुंडा, विजय लोहरा, अजय लोहरा, गणेश मुंडा अहम भूमिका निभाई। क्षेत्र के गरीब, असहाय, दिव्यांग लोगों के साथ काफी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित थे। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। दुनिया को असली भारत की पहचान कराने वाले स्वामी विवेकानंद को किया नमन, युवा हुए पुरस्कृत।
शहर के शैक्षणिक संस्थाओं में स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के रूप में शैक्षणिक संस्थाओं में मनाई गई। विभिन्न संस्थाओं में आयोजित कार्यक्रम में दुनिया को असली भारत की पहचान कराने वाले स्वामी विवेकानंद को छात्रों व शिक्षकों ने जहां नमन किया, वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। JKS डिग्री कॉलेज मानगो में राष्ट्रीय सेवा तत्वाधान में प्राचार्य डॉक्टर APC एवं कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर जी रमा के नेतृत्व में युवा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर राजीव कुमार ने विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के जीवन आदर्शों तथा आधुनिक भारत के प्रति उनकी दृष्टिकोण से परिचित कराते हुए सभी को विवेकानंद के आदर्शों को मानने की अपील की। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।